किसान भैया नमस्कार। किसान भैया, यह गन्ने की वैरायटी 0118 है, जिसे रिंग पिट विधि द्वारा लगाया गया था। इसमें भिंडी की खेती भी साथ में किया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। किसान भाइयों, इसे रिंग पिट विधि द्वारा जब लगाया गया था तो लाइन से लाइन की दूरी 4 फीट और रिंग से रिंग की दूरी 3 फीट रखा गया था। और यह टारगेट रखा गया था कि एक रिंग से 20 से 25 गन्ने से ज़्यादा ना हो, ताकि गन्ने का वेट अच्छा लिया जा सके और जिसकी देख रेख ठीक से की जा सके। किसान भाइयों, इसमें प्रति एकड़ के हिसाब से 1 बोरी यूरिया और 1 बोरी एनपीके का यूज किया गया है। इसके अलावा इसमें स्प्रे का प्रयोग 3 बार किया गया है, 2 बार 1919 का और 1 बार 5234 का, 0052434 का स्प्रे किया गया है, जिसके साथ एमिडा और बावस्टीन भी मिलाया गया है। आप देख सकते हैं इनके पत्तियों पे चाहे इनके फसल पे कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल रोग मुक्त हैं और गन्ने का विकास काफ़ी अच्छा हो रहा है, जबकि निराई गुड़ाई नहीं हो पाई थी क्योंकि काफ़ी बरसात होने की वजह से शुरू में बार बार बारिश हो जा रही थी, जिससे कि निराई गुड़ाई नहीं हो पाई। उसके बाद खरपतवार ज़्यादा हो गया तो हमने छोड़ दिया था। अब इसकी पत्तियों को उतरवाया जा रहा है, जैसा कि आप अभी आगे देखेंगे इस वीडियो में। गन्ना बिल्कुल स्वस्थ है, इसमें कोई बीमारी नहीं है। एक रिंग में किसी में 15 है, किसी में 20 है, किसी में 25 गन्ने भी हैं। इस गन्ने को फरवरी माह में लगाया गया था पौधे तैयार करके, और एक रिंग में 5 गन्ने रखे गए थे। 5 से टारगेट था कि 25 गन्ने तक लेने हैं। किसान भी उसमें 25-30 गन्ने भी मिल जाएंगे, क्योंकि अब अगस्त के माह में इनमें फुटाव भी चालू हो जाएगा, जिससे कि फर्टिलाइज़र का डोज बढ़ाने से सारे गन्ने बन जाएंगे। किसान भाई, इन बातों का ध्यान रख के आप भी गन्ने का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। आप देख सकते हैं इनकी नीचे सूखी पत्तियों को निकलवाया जा रहा है। पत्तियां उतरवाने से बीमारी कम हो जाते हैं और गन्ने की मोटाई भी बढ़ जाती है और गन्ने का विकास काफ़ी तेज़ होता है और नीचे खरपतवार भी दब जाते हैं। अब इसमें 5234 का स्प्रे फिर किया जाएगा कम से कम एक हफ्ते बाद। 0052434 के साथ इमिडा क्लोरोपिड और बावस्टीन का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि कीटों से भी बचाव किया जा सके। गन्ने की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, गन्ने का विकास अच्छा है, इसमें कोई बीमारी नहीं है। तो किसान भाई, इस छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के आप गन्ने का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जुलाई में यूरिया का प्रयोग ना करें।